नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली कल एक कमेंट मेरे को आया था, उस कमेंट का मैं आंसर दूंगा और बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले मैं वो कमेंट पढ़ लेता हूँ कि जो कमेंट मेरे को कल भेजा था, वो भेजा था वरुण सिंह ने। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको ज़रूर आंसर मिल जाएगा कि आखिर कल हुआ क्या था। तो यहाँ पे वो लिखते हैं, सुधीर जी, DHFL 50% तक डाउनफॉल हुआ, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट था। जो न्यूज़ मार्केट में आउट हुई, क्या इन्वेस्टर को उस टाइम कैसे जानकारी मिल सकती है इस फॉल से बचने के लिए? अब मोस्टली इन्वेस्टर को पता ही नहीं है DHFL में कल हुआ क्या और वो कौन लोग थे जो DHFL को 50% तक ले गए। तो प्लीज़ सर एक्सप्लेन दिस। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर आपको बात करने के लिए, इवन इस चीज़ के ऊपर प्लस मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है उसमें ऐसी सडनली न्यूज़ आती है तो वो गिर भी सकता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न आ सकता है। तो यही पॉइंट का मैं आंसर आपको दूंगा कि कल DHFL में ऐसा क्या हुआ कि 50% तक गिर गया। इंडिया बुल हाउसिंग 30% तक गिर गया। इवन और भी जो अदर NBFCs थी, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से गिरी थी। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में और क्या नई खबर मार्केट में आई है जिसकी वजह से इन कंपनियों की इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है, जिसमें DHFL तो करीब करीब 40% गिर के बंद ही हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मैं बात करूंगा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अगर किसी स्टॉक में फॉल आता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी आप सभी लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो लाल कलर का बटन आ रहा है इसको दबा के जरूर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें कि बात कर लेते हैं, सबसे पहले DHFL की बात कर लेते हैं। तो DHFL बेसिकली एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड करके ये कंपनी है, जिसमें कि कल बहुत तेज गिरावट आई और 42% स्टॉक गिर के बंद हुआ है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे DSP ग्रुप ने, जो DSP म्यूचुअल फंड ग्रुप जो है, बेसिकली ब्लैक रॉक तो हट गया, DSP ग्रुप ने वहाँ पे कुछ बॉन्ड सेलिंग करी थी, जिसके प्रेशर से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने स्टॉक्स को निकाला है और ये प्रेशर उसी की वजह से क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि किसी कंपनी को अगर आपने खरीद रखा है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर यहाँ पे बड़े फॉल से अगर आपको बचना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, दो ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा कि जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखेंगी कि हमेशा, पहली चीज़ जो होती है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने जो कंपनी है उस सेक्टर में क्या हो रहा है, उस सेक्टर में क्या कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमेशा आपको पता है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर प्रिडिक्ट करके चलता है। आप जो चीज़ आज हो रही है वो कायदे से मार्केट में एक दो महीने बाद होनी चाहिए थी, वो चीज़ आज ही हो जाती है, स्टॉक की पिटाई आज ही हो जाती है, भले छोटी सी न्यूज़ हो, चिंगारी थोड़ी सी भी लगी तो स्टॉक पिट गया समझ लो, तो वही चीज़ होता था। तो हमेशा अपने जो जिन कंपनियों को आपने खरीद रखा है उस सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है, इस चीज़ से हमेशा अपडेट रहिए। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो किसी ना किसी ने एक ऐसे स्टॉक में फंस जाएंगे जो ऐसी 40-50% गिरेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट अगर 2-3 क्वार्टर, 3-4 क्वार्टर या 5 क्वार्टर की अगर आप मेंटेन करेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे कि कंपनी ने 5-6 क्वार्टर से क्या काम कर रही है, उन क्वार्टर में कोई ज़्यादा बड़ा वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। अगर कि ऐसा लग रहा है कि कंपनी कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट शो कर देती है, एकदम से अगला क्वार्टर आता है बहुत डाउन आ जाती है, तो इसको हम इस तरह के जो क्वार्टर्स होते हैं ना, इनमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। तो इन फ्लक्चुएशन से क्या होता है कि कभी कभार कंपनी को एक ऐसा क्वार्टर मिल जाता है जिसमें कि कंपनी बहुत बड़ा लॉस भी शो करती है, जिसकी वजह से कंपनियों की बहुत बुरी पिटाई होती है। तो जैसे कि आप ये अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे PSU बैंक से अगर 2016 से लेकर 2018 तक के बीच में होता हूँ, तो इनमें बहुत बड़ा बड़ा फॉल आया है। आप सभी लोगों को पता है स्टॉक 10-10, 15-15, 20-20% तक गिरे हैं ये सारे स्टॉक। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा तो अभी 4-5 दिन पहले ही गिरा था। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, क्योंकि इनका बिज़नेस क्या है, फाइनेंस का बिज़नेस है, कभी अच्छा चल जाता है, कभी अगर एक दो भी डिफॉल्ट हो जाते हैं तो ये पिट जाता है स्टॉक। तो ये दो मेन पॉइंट हैं जिनको आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है कि मेरे पर्टिकुलर स्टॉक जो मैंने खरीद रखे हैं उनमें आखिर मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब मैं बात कर लेता हूँ NBFC सेक्टर के लिए, क्योंकि इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है कि NBFC सेक्टर से आपको क्यों बच के रहना चाहिए आगे आने वाले दिनों में। इवन 1-1.5-2 साल के लिए आपको इन स्टॉकों से तो बहुत दूर रहना चाहिए, अगर जितना दूर रह सकते हैं
उतना दूर रहिए इससे। तो एनबीएफसी बेसिकली, एनबीएफसी को हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपनियाँ, ये बैंकिंग नहीं है फिर भी फाइनेंस कर रही है लोगों को। तो हमारे इंडिया में चेंजेस क्या हो रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए और गौर करिए। जिसने डीएचएफएल का कल फॉल को नहीं समझ पाया है ना, ये न्यूज़ मार्केट में एक हफ्ते पहले से ही आ रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि मार्केट ने कल इसमें मेजर रिएक्शन दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है चीज़ों को इग्नोर करने की। वही चीज़ हुआ यहाँ पे, जिन लोगों को, जो लोग पहले समझ गए वो अपनी पोजीशन काट के बैठ गए, इवन शॉर्ट भी बना दिया होगा। जो नहीं समझ पाए वो कल के फॉल में फंस गए। तो एनबीएफसी में बेसिकली चेंजेस क्या हो रहे हैं, सबसे बड़ा चेंजेस हो रहा है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का। कि यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इवन रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो यहाँ पे आरबीआई उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके, कि महंगाई ना बढ़े, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो होगा क्या, बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो इन कंपनियों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है ना, इसको ये लैंड ही नहीं कर पाएंगे, यानी दूसरे लोगों को दे ही नहीं पाएंगे। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ हो गई, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ अगर आपको लोन लेना है तो अगर कल को ये बैंक आपको 10% पे लोन देगी तो आप लोगे? नहीं लोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको महंगा लोन मिल रहा है। अगर पर्सनल लोन आपको ये कंपनी 18% पे देंगी तो आप लोगे? नहीं लोगे। कार लोन अगर 9.5% पे या 11% पे आपको दे रही है, आप लेंगे? नहीं लेंगे। जिसकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी वही लेगा। तो वही चीज़ है, तो इनका बिजनेस क्या होगा, कम होने लगेगा। अभी तक इनको इतनी प्रीमियम वैल्यू इसलिए मिलती थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े थे। पिछले 2 साल से जो इंटरेस्ट रेट थे वो सबसे लोएस्ट चल रहे थे। आप जैसे मान लेते हैं हाउसिंग में 8.25 चल रहा था और कार लोन में 9.5 चल रहा था, तो इंटरेस्ट रेट बहुत सस्ते थे, इसलिए इन कंपनियों को वैल्यूएशन बहुत अच्छे मिल रहे थे, प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहे थे, क्योंकि इनके पास क्लाइंट्स आ रहे थे और लोन की धकाधक, पूरा लोन पे लोन लिए जा रहे थे। अब हो रहा है क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इनके पास नए क्लाइंट नहीं आएंगे, इवन जो पुराने क्लाइंट हैं वो भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसका नाम है ILNFS। ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है, जो भी रियल इस्टेट के घर बनाते हैं या हाईवे वगैरह बनाते हैं, ये सारी कंपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती हैं कंपनी, उनको ये फाइनेंस करती है। अब यहाँ पे बाजार में क्या बेसिकली खबर उठी है कि पिछले हफ्ते इनकी जो इनकी रेटिंग घटा दी थी, कि जो भी इनकी क्रेडिट रेटिंग थी उसको घटा दिया था, और उसमें ये डिनोट किया था कि इन्होंने जिन कंपनियों को फाइनेंस कर रखा है, हो सकता है वो कंपनियां डिफॉल्ट करते, जिसकी वजह से इनका पेमेंट वापस आएगा नहीं। तो अगर पेमेंट वापस नहीं आएगा तो कंपनी भी बंद हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने किसी से पैसा उधार ले रखा है और अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो वो कहाँ से लाएगा? तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर क्या है, ILNFS की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे सेक्टर की हो गई है। अब तो पूरे सेक्टर की ये प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि अगर ILNFS ने डिफॉल्ट किया, उनका पैसा नहीं मिला, उन्होंने डिफॉल्ट किया, तो इसके साथ और भी NBFC पिसेंगी साथ में और उनका पैसा भी डूबेगा। इसीलिए कल आप ये जो सेक्टर में इतना बड़ा सेल ऑफ आया था, इसीलिए आया था, और इसीलिए मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिन इस सेक्टर से बहुत दूर रहिएगा। आपको ऐसी मेजर रिएक्शन देखने को मिलेंगे। किन किन कंपनियों का एक्सपोजर है वो सब यहाँ पे डिनोट होगा और यहाँ पे ये सारी दिक्कतें रहेंगी। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ कि NBFC से आपको क्यों दूर रहना है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो इनका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इनके पास न्यू बिजनेस नहीं आएगा। इवन अगर ये सस्ता भी करने की कोशिश करेंगे तो भी इनके पास नए नहीं आएंगे, क्योंकि एक आपको पता है कि एक लोन जो होता है उसका एक इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव की जगह बराबर ही रहता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ होगी, अगर ILNFS में डिफॉल्ट होता है, वो दिवालिया होती है कंपनी, तो RBI इतना स्ट्रिक्ट रूल निकालने वाली है इन कंपनीज के अगेंस्ट कि ये फिर किसी को इजीली फाइनेंस भी नहीं कर पाएंगी। तो इन कंपनियों के कह सकते हो कि अगले आने वाले 1-2 साल बहुत बुरे कटने वाले हैं और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इनके। तो इन कंपनियों से जितना दूर रहिए उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अपने पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, जैसे कि नाम मैं बता देता हूँ, DHFL कल पेट चुका है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन और उज्जीवन, इक्विटास, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और भी जो कंपनीज आती हैं जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रही हैं, तो उनसे आप बहुत बहुत दूर रहिए। मैं आपको दोबारा से ये पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ कि DHFL की जो कल फॉल हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो ILNFS ग्रुप है,
वहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फंड हाउस हैं वो पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और उनके स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा बना रहे और जो सेक्टर की प्रॉब्लम है वो उनको भी ना ले डूबे। क्योंकि सिंपल सी चीज़ आप समझिए कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया, सपोज करिए आप हो, आपने किसी से पैसा लिया 6% पे, क्योंकि आपको ज़्यादा लेना था, ठीक है, वही 6% का पैसा आपने किसी दूसरे को दिया 8% पे, और फिर तीसरे ने दिया वो किसी को 10% पे, फिर चौथे ने दिया 12% पे, तो वो पैसा आपका डिवाइड हो गया चार कंपनियों में। अब मान लीजिए सबसे टॉप कंपनी थी वो डिफॉल्ट कर गई, तो डिफॉल्ट कर गई तो उससे पीछे वाले का पैसा नहीं मिला, फिर उसने डिफॉल्ट किया तो उससे पीछे वाले का नहीं मिला, फिर उसने डिफॉल्ट किया फिर उससे पीछे वाले का नहीं मिला, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, सी रिलेटेड डी, ऐसा इन्फाइनेट चल रहा है। अगर एक कंपनी में प्रॉब्लम आएगी वो कंपनी बंद होगी तो उस वो कंपनी पूरे सेक्टर में फैलेगी वो प्रॉब्लम, तो पूरा सेक्टर ही पिटेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि NBFC सेक्टर से दूर रहिएगा जब तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, अगर कब आपको इंटरेस्ट इन स्टॉकों में कब आपको एंटर करना है, जब आप देखें कि RBI रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा रही है, आपको लग रहा है कि हाँ अब महंगाई कंट्रोल में है, सारी चीज़ें कंट्रोल में, क्रूड सस्ता है, रुपया मजबूत है और RBI इंटरेस्ट रेट घटा रही है, तब आप इन सेक्टर में एंटर करिए। अभी इन सेक्टर के लिए पॉजिटिवनेस पूरी पूरी खत्म हो चुकी है, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, और जैसा कि आपने देखा था जब फार्मा के लिए नेगेटिव चालू गया था तो फार्मा पिटते पिटते कहाँ गया था, ऐसी ये स्टॉक धीरे 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 पिटना चालू हो जाएंगे। और आप इन स्टॉकों को मॉनिटर करिए, अगर आपकी पोजीशन है तो जल्दी से जल्दी हल्का कर दीजिए और उसको अपना पैसे को किसी और सेक्टर में लगाइए जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।